कार्तिक माह की पूर्णिमा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली रोड स्थित गागन नदी पर गंगा स्नान के ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया। गंगा स्नान के अवसर पर महानगर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। विगत दो वर्षों से कोरोना काल के चलते मेला नहीं लग सका था, अब क्योंकि कोरोना बीमारी खत्म हो गई है, इसको देखते हुए दो साल बाद दिल्ली रोड स्थित गंगा नदी पर मेले का आयोजन किया गया। देखने वाली बात यह रही कि दो साल बाद लगे मेले में श्रद्धालुओं को आस्था जरूर खींच लाई, मगर किसी ने भी गागन नदी में प्रवाहित प्रदूषित जल में स्नान तो क्या उसमें आचमन करना भी उचित नहीं समझा। गागन नदी पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के चलते बच्चों का मुंडन संस्कार जरूर कराया, मगर किसी ने भी स्नान नहीं किया। गागन नदी पर लगने वाले मेले को आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के नमामि गंगे योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। साथ ही बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार फिर इस ऐतिहासिक मेले में आस्था के साथ गागन नदी में स्नान करने पहुंचे लोगों की आस्था का भी ध्यान नहीं रखा। ना तो नदी के घाट पर सफाई की और कोई व्यवस्था की गई और ना ही नदी में जल को छोड़ने की ही बात कही गई, लेकिन गंगा नदी में खुलने वाला ये नाला महानगर के शासन और प्रशासन की पोल खोलते साफ नजर आ रहा है। इस बाबत गंगा घाट पहुंचे श्रद्धालुओं से जब बात की गई तो उन्होंने अपना दर्द बताते हुए क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। आप सभी को गंगा स्नान की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और साथ में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था देख के तो दिल खुश नहीं है, सभी लोग परेशान है क्योंकि यहाँ पे सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं शासन से कि अगली बार यहाँ की सफाई व्यवस्था ठीक की। जैसा आज आप यहाँ पर आए थे गंगा स्नान पे, तो आपने क्यों यहाँ पर जल स्नान नहीं करा? क्योंकि पानी बहुत गंदा है, ये हमारी स्किन को जहाँ तक है प्रॉब्लम ही देगा। हम ऐसे गंदे पानी में नहा के और बीमार हो जाएंगे, बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए हम स्नान नहीं करते। क्या कारण है कि गागन नदी का यहाँ पर पानी गंदा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नाले वगैरह इसी में मिला दिए गए हैं जिसमें कि गंदा पानी आता है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब कुछ फेंक के यहीं पे कूड़ा करकट सभी जाते हैं और वो सब फैला ही रहता है, उसकी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है और सब पानी में मिल गया है। भारत सरकार की नमामि गंगे योजना को क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तो फेल ही है, दिखाई दे रही है सभी को कि ये इनकी योजना फेल हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था है ही नहीं, ये सभी को दिखाई दे रहा है। मेरी तरफ से बस यही है कि अगली बार इस पे ध्यान दिया जाए। वही नदी के पास लगे मेले में लोगों ने अपनी अपनी पसंद की जमकर खरीदारी जरूर की। बच्चों ने झूलों का आनंद भी लिया, मगर किसी ने भी प्रदूषित जल में स्नान करना उचित नहीं समझा। साथ ही अब देखना यह होगा कि कब जाकर गागन नदी की सफाई की जाती है या फिर इसी तरह ये नदी प्रदूषित रहेगी। साथ ही इन सब का जिम्मेदार कौन है?